करने वाले हैं स्टेबलाइजर के बारे में, जो कि हमारे घर में बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों लगाना। हमारा डिवाइस जो है इससे बहुत सुरक्षित रहता है वोल्टेज कम बेसी होने पे। तो दोस्तों जैसे कि आप फ्रिज है घर में, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, आपका एसी है, तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, कम बेसी वोल्टेज होता है, लो हाई वोल्टेज 220 का वोल्टेज होता है दोस्तों, तो उसके लिए हमें स्टेबलाइजर यूज करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे पास एक एवरेस्ट कंपनी का स्टेबलाइजर है, तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे एसी में लगाने वाले हैं। तो हम आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए दोस्तों। और हम अभी इसको फिक्स कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, एसी के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं और जो मेन लाइन होता है उसके साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और कनेक्शन करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों देख सकते हो ये इन्वर्टर है, स्टेबलाइजर है। तो दोस्तों ये स्टेबलाइजर है, ये स्टेबलाइजर है दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो अपना इनपुट है जो मेन को सप्लाई आएगा 220 का, इसमें ये इनपुट है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पिन टॉप लगा लेंगे सेफ्टी के लिए, क्योंकि सॉकेट में हम डायरेक्ट इसको डाल के यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम 3 पिन टॉप लिए हैं जो कि 16 एम्पियर का है, इसको हम पहले कनेक्शन कर लेंगे इसमें, इसके बाद इसको एसी के साथ कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों ओपन हो गया, 3 पिन टॉप है हमारा, हमें इसको लेंगे वहाँ पे और ये वायर इसके अंदर डालेंगे। आप देख सकते हो इसमें 3 टर्मिनल है, एक फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग। तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, अर्थिंग का वायर जो है अर्थिंग वाले टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो इधर ये साइड में फेस है, तो इसका हम फेस यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में इसको न्यूट्रल वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर लेंगे। और ये जो इसका रबड़ है सेफ्टी के लिए, इसको यहाँ पे हम आगे कर लेंगे थोड़ा सा और इसको इसके साथ में लगा के इसको बंद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो कनेक्शन हमारा हो गया है, न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग। और इसको अब यहाँ से ये जो कवर होता है इसका, इसको यहाँ पे लगा के हम अच्छे से कवर इसका बंद कर देंगे। दोस्तों सॉकेट हमारे घर में 2 टाइप का यूज होता है, एक 16 एम्पियर का होता है और एक 6 एम्पियर का होता है। तो ये हमारा जो भी जहाँ भी लगाएंगे तो आप सॉकेट के हिसाब से लगाइए, अगर आपका सॉकेट 16 एम्पियर का है तो 16 का लगाइए, अगर 6 एम्पियर का है तो 6 एम्पियर का इसमें आता है, क्योंकि ये 6 एम्पियर में नहीं लगने वाला, ये 16 एम्पियर का है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कवर कनेक्शन, और ये स्टेबलाइजर का आउटपुट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कवर दिया हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ से जो हमारा एसी के लिए या किसी भी डिवाइस के लिए जो सप्लाई देना है, इसमें से होकर जो सप्लाई जाने वाला है उसको कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 3 टर्मिनल दिया हुआ है, फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग। तो जो भी हमारा डिवाइस रहेगा उसका हम 3 वायर फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको लगा के और देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा एसी लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सॉकेट का पॉइंट हम बना के रखे हुए हैं, जो कि 2 मॉडल का बॉक्स हम लगा दिया है यहाँ पे। और ये वायर है हमारा 2.5 का वायर है दोस्तों, फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग 3 वायर है, जो कि हमारा स्विच वहाँ से इसका ऑपरेट होने वाला है। आप देख सकते हो वहाँ पर स्विच लगा हुआ है और ये हमारा एसी लग गया है। तो इसको हम पहले यहाँ पर स्टेबलाइजर को फिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसका सॉकेट लगाएंगे और इसका कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों देख सकते हो एसी का जो इनपुट है, एसी में जो जाएगा स्टेबलाइजर से, स्टेबलाइजर का आउटपुट और एसी का इनपुट है दोस्तों। आप देख सकते हो केबल, इसको अभी हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों मोबाइल को हम यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मोबाइल पकड़ने वाला बंदा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर रख लीजिए सीन पर हम अकेले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कनेक्शन करने वाले हैं, ये जो हमारा स्टेबलाइजर का आउटपुट है
स्क्रीन टर्मिनल, इसको हम ओपन कर लेंगे स्क्रू को थोड़ा थोड़ा, और ये जो हमारा वायर है दोस्तों, इसको हम पहले टर्मिनल में फेस और दूसरे टर्मिनल में न्यूट्रल और तीसरे टर्मिनल में अर्थिंग, ये तीन वायर हम इसमें डाल के इसको एक एक स्क्रू करो टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं ये, देख सकते हो आप लोग कनेक्शन हो गया हमारा फेस न्यूट्रल अर्थिंग, यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं। इसका कवर हम लगा देंगे इसको ऐसे, इस टाइप से कवर रहेगा। यहाँ पे एक स्क्रू लगा देंगे, हमारा कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब इसको हम सॉकेट लगाएंगे यहाँ पे, सॉकेट लगा के और ये वाला टॉप जो है उसमें लगा के बताएंगे आपको, इसको हम लगा देते हैं। तब तक ये देख सकते हो दोस्तों हमारा ये इन्वर्टर, यहाँ सॉरी स्टेबलाइजर, यहाँ पे हम हैंगिंग कर दिए हैं इसको स्क्रू के साथ में लगा दिए, इसका कनेक्शन हो गया है। और यहाँ पे नीचे भी हम एक सॉकेट लगाएंगे और इसका कनेक्शन करके इसको लगा के आपको दिखाएंगे।